हेलो दोस्तों, 2019 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में बाहर होना पड़ा था। उसी टीम से 15 तारीख को मुकाबला होने जा रहा है। इस बार रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ही इन दोनों ने मिलकर पूरी प्लेइंग 11 बदल दी है। और कौन सी नई प्लेइंग 11 घोषित की है जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भले ही न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में बेहतर हो, मगर भारतीय टीम ने इस बार अपने सारे 9 मुकाबले जीत लिए हैं और फर्स्ट पोजीशन पे रही। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उसने 6 मुकाबले जीते और 3 हारे और चौथे पायदान पर रही। दोस्तों, ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो टीम हारेगी वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। इसीलिए दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत जान लगा देगी। वैसे ये मुकाबला 15 तारीख को दोपहर 2 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाना है। भले ही न्यूजीलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में ज्यादा ताकतवर न दिखाई दी हो, मगर सेमीफाइनल में उसमें अलग ही जोश आ जाता है। चलिए जानेंगे प्लेइंग 11, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं और इस बार टीम इंडिया में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के कप्तान केल विलियमसन एक्सपीरियंस और स्किल का पूरा फायदा उठाते हैं, शानदार कैप्टेंसी करते हैं और बैटिंग भी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। जीत का सहरा किसके सर बंधने वाला है ये तो 15 तारीख को पता चल ही जाएगा, मगर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की सोच इस बार कुछ अलग ही नजर आ रही है। इसलिए ही तो उन्होंने प्लेइंग 11 में बहुत चेंजेस किए हैं। 2019 में जब भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी कर न्यूजीलैंड की टीम को एक छोटे स्कोर पर आउट कर दिया था, उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की टीम ये मैच जीत जाएगी। मगर केन विलियमसन की कप्तानी और उनके बॉलरों के सामने टीम इंडिया ने अपने घुटने टेक दिए। भारतीय टीम के पास उस मैच का बदला लेने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं आने वाला। चलिए जानते हैं टीम इंडिया ने कौन से 11 बुके शेरों का ऐलान किया है। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा और सुमन गिल। रोहित शर्मा इस बार बहुत ही शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं। 1-2 मैच को छोड़कर इस बार उनका बल्ला खामोश नहीं बैठा है। वहीं सुमन गिल भी बहुत ज्यादा शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं। और गिल जब कल नेट्स प्रैक्टिस कर रहे थे तब जसप्रीत बुमराह के लगातार छक्के लगा रहे थे। जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के पास जब बड़े बड़े बैट्समैन घबराते हैं, उनके सामने गिल का छक्का लगाना उनके फॉर्म और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली। विराट कोहली इस बार शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं। टीम इंडिया के तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने नीदरलैंड के खिलाफ शानदार 50 लगाई। वहीं नंबर 4 पर फिर से होंगे श्रेयस अय्यर। अय्यर का बल्ला अब फॉर्म में लौट चुका है। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया। उन्होंने शॉर्ट बॉल के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और अब वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। टीम इंडिया ने जो ईयर पर भरोसा दिखाया उस पर ये 100% खरे उतर रहे हैं। वहीं नंबर 5 पर होंगे केएल राहुल, जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया। 1-2 मैच को छोड़कर केएल राहुल इस बार बहुत शानदार खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में इन पर फिनिश करने का जिम्मा भी आ गया है।
वहीं इनका साथ देंगे नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव। सूर्य का बल्ला इस वर्ल्ड कप में शांत रहा है, जैसी कि उनसे उम्मीद की जाती है। अभी 360 वाली पारी देखने को नहीं मिली है और नीदरलैंड के खिलाफ इन्हें बॉलिंग में भी आजमाया गया, मगर ये कुछ खास नहीं कर सके। मगर उम्मीद है सूर्या फिर से वापसी करेगा और इनका बल्ला फिर से आग उगलेगा। वहीं नंबर 7 पर होंगे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी नाराज नहीं किया है और लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, फिर चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। इस ऑलराउंडर ने अपने प्रदर्शन से हार्दिक पांड्या की कमी बिल्कुल भी नहीं खलने दी है और उम्मीद करते हैं इस मैच में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जब सभी बैट्समैन ने हथियार डाल दिए थे, तब आए रविंद्र जडेजा और मैच को करीब ले गए। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट दुर्भाग्यपूर्ण था, वरना मैच में कुछ और ही स्थिति होती। टीम इंडिया ने इस मैच में 4 बॉलरों के साथ खेलने का फैसला किया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं और टीम इंडिया ऑलराउंडर्स खिलाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, खासकर बॉलिंग में, क्योंकि अभी तक सब कुछ शानदार चल रहा है और वर्ल्ड कप अब मात्र 2 कदम दूरी पर खड़ा है। अगर स्पिनर की बात करें तो स्पिन का जिम्मा होगा कुलदीप यादव पर, जो इस बार स्पिन से बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। इनकी बॉलिंग विपक्षी टीम के बैट्समैनों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इनकी जिम्मेदारी पारी के बीच के ओवरों में विकेट चटकाने की होने वाली है। भारत के लगातार 9 मैच जीतने का राज यही रहा है कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग इस बार बहुत ही शानदार है। वहीं अगर अब टीम इंडिया के फास्ट बॉलिंग अटैक की बात करें तो उसमें होंगे मोहम्मद शमी, जो हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बनकर उभरे हैं। इनका एक्सपीरियंस टीम इंडिया को बहुत ज्यादा काम आ रहा है, ये लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर तीसरे गेंदबाज की बात करें तो वह होंगे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि वे वर्ल्ड कप के नंबर 1 तेज गेंदबाज है। उनके एक्शन को समझ पाना हर किसी बैट्समैन के बस की बात नहीं। जब जब टीम इंडिया को विकेट नहीं मिला है, जसप्रीत बुमराह तैयार रहे हैं। वही इनका साथ दिया है 4 नंबर के बॉलर मोहम्मद सिराज ने। दोनों ही गेंदबाज शुरुआती और अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी के साथ विकेट भी चटका रहे हैं। वास्तव में मोहम्मद सिराज ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। बाकी दोस्तों, 3 साल से जो टीम वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रही है वही चैंपियन बनी है। इस हिसाब से तो भारतीय टीम इस बार चैंपियन बनेगी और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है और किस्मत भी टीम इंडिया का साथ दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैदान भी अपना होगा, इलाका भी अपना होगा और ट्रॉफी भी अपनी होगी और सभी फैंस को 2011 के बाद एक बार फिर से झूमने का मौका मिलेगा। क्या धोनी के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीता पाएंगे, ये तो आने वाली 15 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है और रोहित शर्मा इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते और धोनी के बाद वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाले कैप्टन बनना चाहेंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।